दोस्तों पिछले दो दिनों से मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं, जहां पे जियो ने दोस्तों फाइनली अपनी गलती मान ली और अपने नेटवर्क को यहां एक्सपांड कर रहा है धीरे धीरे दोस्तों। कर्नाटक में, तेलंगाना में दोस्तों, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में अपने नेटवर्क को सुधार रहा है, एक्सपांड कर रहा है अपने 4G का। वैसा ही दोस्तों कुछ यहां पे एयरटेल भी कर रहा है। एयरटेल भी दोस्तों कर्नाटक में और दोस्तों तमिलनाडु में और सभी जगह अपना नेटवर्क यहां पे सुधार रहा है, 4G प्लस यहां पे लेके आ रहा है, अपने नेटवर्क को सुधार रहा है। दोनों ही कंपनी दोस्तों यहां पे धीरे धीरे करके 8 और बड़े बड़े सर्कल पे पूरे भारत में अपने नेटवर्क को सुधार दिए। यस दोस्तों, दोनों कंपनी कितना दोस्तों काम कर रही, किस तरह से अपना नेटवर्क को दोस्तों नई वॉर स्टार्ट हो चुकी दोनों कंपनी के अंदर, जियो एयरटेल के अंदर, किस तरह से अच्छे में अच्छा 4G नेटवर्क भारत में दे, जिससे वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर है इनके पास आ जाए और उनका नंबर ऑफ सब्सक्राइबर यहां पे बढ़ता जाए। क्या दोस्तों दोनों की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेटवर्क अपग्रेडेशन बहुत मस्ट हो चुका है, खास करके जियो जैसी कंपनी के लिए। पिछले 6 महीने से जियो के नेटवर्क बहुत 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 खराब आते हैं, लेकिन जियो ने दोस्तों जो DOT का मार्च का सेल था वहां पे ऑलमोस्ट 57,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम की परचेस की थी, जिसको अब यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया जियो ने। और वैसा ही दोस्तों कुछ एयरटेल भी यहां पे कर रहा, जो स्पेक्ट्रम परचेस किया था यूटिलाइज धीरे 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 कर रहा है, तेलंगाना में दोस्तों, कर्नाटक में, धीरे धीरे बाकी सर्कल पे भी यूटिलाइज कर रहा। लेकिन दोनों ही कंपनी फिलहाल दोस्तों पूरे भारत में अपने 4G स्पेक्ट्रम को करके अपना पावरफुल नेटवर्क यहां पे विस्तार कर दिए। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं दोस्तों, 8 आफ्टर जियो एयरटेल प्लान्स टू एड एयरवेव्स इन 8 की मार्केट। दोस्तों यस, एयरटेल दोस्तों 8 बड़े-बड़े सर्कल पे काम कर रहा है, जियो से भी आगे लेके जाना चाहता है। रिलायंस जियो दोस्तों भारतीय एयरटेल ने सेट द राइस, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, रिलायंस जियो ने दोस्तों सबसे पहले यहां पे स्पेक्ट्रम, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम दोस्तों यहां पे कर्नाटक में यहां पे डाला था, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में डाला था, उसके बाद भारतीय एयरटेल दोस्तों निकल गया, जहां पे अब 8 बड़े-बड़े सर्कल पे अपना नेटवर्क को विस्तार कर रहा, मतलब जियो से ज्यादा दोस्तों अपने नेटवर्क को यहां पे विस्तार करने वाला है, जहां पे पंजाब और गुजरात जैसे बड़े सर्कल भी आएंगे। मेरा गुजरात भी दोस्तों आने वाला है, जहां पे एयरटेल और भी पावरफुल दोस्तों स्पेक्ट्रम यूज करके ज्यादा स्पीड देगा। एयरटेल दोस्तों रोल आउट एडिशनल एयरवेव्स दोस्तों 1800 मेगाहर्ट्ज का जो बैन है कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर दोस्तों यहां पे उसने कर दिया था, जहां पे 900 मेगाहर्ट्ज है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों यहां पे उसने पहले से ज्यादा स्पेक्ट्रम यहां पे यूटिलाइज किया, जहां पे आपको पहले से ज्यादा, यस, कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरला में आपको पहले से ज्यादा अच्छी खासी स्पीड देखने को मिलेगी, एयरटेल ने कर चुका है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें जाए तो दोनों ही कंपनी दोस्तों अपने 4G को बूस्ट करने में लगी हुई, जहां पे एक तरफ जियो दोस्तों धीरे धीरे काम कर रहा है, उस तरफ दोस्तों दूसरी तरफ एयरटेल भी काम कर रहा है। जियो का नेटवर्क पहले से बहुत खराब था, लेकिन जो 57,000 करोड़ का मार्च में इसने 4G स्पेक्ट्रम परचेस किया था ऑलमोस्ट 22 के 22 सर्कल में, अब उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका, तो जियो धीरे धीरे हर सर्कल पे अपने नेटवर्क को बूस्ट कर रहा। वैसा ही दोस्तों कुछ यहां पे एयरटेल कर रहा, और एयरटेल जियो से 2 कदम आके यहां पे जा चुका, क्योंकि दोनों ही कंपनी को सब्सक्राइबर चाहिए। पुराने सब्सक्राइबर को तो अपने पास रखना ही, लेकिन नए सब्सक्राइबर जो VI को छोड़ के आ रहे थे वो अपने पास लाने, अपने पाले में लाने के लिए दोनों ही कंपनी अपने नेटवर्क का दोस्तों विस्तार कर रही है। दोस्तों इसकी बात करो तो कौन कौन से सर्कल यहां पे होंगे दोस्तों, बात की जा रही है कि यहां पे 11.2 यूनिट्स दोस्तों, यहां पे 5 यूनिट्स एडिशनली 1800 मेगाहर्ट्ज के एयरवेव जो कर्नाटक और तमिलनाडु में यहां पे ऑलरेडी डिप्लॉय यहां पे कर चुके हैं। उसके साथ साथ एयरटेल जो है दोस्तों यहां पे 900 मेगाहर्ट्ज होगा दोस्तों, उसको यहां पे गुजरात में डिप्लॉय करेगा, उसके साथ साथ यूपी, ईस्ट, केरला, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे के सारे जो सर्कल है दोस्तों यहां पे जाके एयरटेल अपने नेटवर्क को और यूटिलाइज करेगा, और पावरफुल करेगा, और स्ट्रेंथन करेगा। जो स्पेक्ट्रम फिलहाल दोस्तों यहां पे एयरटेल ने परचेस किया था 1000 करोड़ का, उस स्पेक्ट्रम को यूटिलाइज करते हुए गुजरात में, उड़ीसा में, यूपी में, केरला, बिहार, इन सभी की सभी जगह पे एयरटेल अपने नेटवर्क को और पावरफुल करेगा। मतलब जियो जो कर रहा है वो तो कर रहा है, लेकिन एयरटेल जो ऑलरेडी दोस्तों नंबर 1 चल रहा था, अच्छा खासा डेटा स्पीड आती है एयरटेल की पूरे भारत में, वो और भी ज्यादा पावरफुल, यानी एयरटेल आपको 4G नहीं 4G प्लस मतलब ऑलमोस्ट 5G के तक आपको यहां पे स्पीड देने की बात यहां पे कर रहा है। तो इस सबसे बड़ी दोस्तों खबर निकल गई, जहां पे जियो के साथ साथ एयरटेल अब यहां पे पूरे भारत में 8 और बड़े बड़े सर्कल में दोस्तों अपने नेटवर्क को बूस्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा 200 स्पेक्ट्रम यूटिलाइज करते हुए आपको 4G नहीं 4G प्लस जैसी स्पीड यहां पे देने वाला है। तो मुझे बताइए दोस्तों फिलहाल आपको क्या स्पीड मिलती है एयरटेल की और जियो की, दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स फिलहाल आप कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं जरूर नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें डेफिनेट अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जरूर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली की VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूल देना इस घंटी के बटन को जरूर दबा देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। ऑलवेज कीप स्माइलिंग।